यह प्रसंग है गोवर्धन पर विराजित श्रीजी के मंदिर पर आक्रमण करने आए सैनिकों को कैसे मुखी खानी पड़ी। जब श्रीजी अजब कुंवरबाई का वचन पूर्ण करने के लिए ब्रिज से मेवाड़ पधार रहे थे, तब पड़ाव आगरा में हुआ था। उस समय मुगल मलेच्छ बादशाह औरंगजेब धर्मांध बन चुका था। उसने ब्रिज के सारे मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया था। उसकी सेनाएं सारे मंदिरों पर आक्रमण बोलने लगी। अब उसकी नजर हमारे श्रीजी के मंदिर पर पड़ी। उस समय श्रीजी के मंदिर के चर्चे दूर दूर तक प्रसारित हो चुके थे। उसने 200 सैनिकों की सेना को मंदिर तोड़ने का फरमान दे दिया। उसकी सेना गोपालपुरा के लिए निकल चुकी। जैसे ही सेना गांव में आई, श्रीजी के दो सेवक, दो जल घड़िए, जिनका उपनाम सेवा और सभा था, वह दोनों मंदिर की रक्षा के लिए मंदिर के दरवाजे सज्ज हो गए। श्रीजी ने सेना का सामने करने के लिए उनको अलौकिक शक्ति प्रदान की। जैसे ही सेना ने हमला किया, यह दोनों चीते की गति से उन पर टूट पड़े। श्रीजी के दिए सामर्थ्य के कारण एक तलवार के वार से 10-10 को मौत के घाट उतार रहे थे। वह दोनों सेना पर काफी भारी पड़ रहे थे। इस युद्ध में श्री गिरिराज जी के शिलाएं भी साथ देने लगी। जैसे ही सैनिक शिला पर गिरते शिला तीक्ष्ण हो जाती और सैनिकों की हड्डियां टूटने लगी, और इन दौरान अचानक ही वातावरण गंभीर बन गया। तलेटी में से श्री गिरिराज जी के दूसरे स्वरूप समान शेर अचानक ही वहां आ गए, सेना पर टूट पड़े। तलेटी में सांप भी बाहर आए और सैनिकों को डसने लगे। यह देख बचे कूचे सैनिक जान बचाकर भागने लगे और मंदिर सुरक्षित हुआ। पर अभी भी हमला रुका नहीं था। आगे जानने के लिए पूरा प्रसंग पढ़े हमारी ऑफिशियल वेबसाइट व्रजद्वार.com पर।